चलिए तो मैं कुलदीप शर्मा, आज अपना टारगेट स्टार्टर है। आज हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या सीन है। हमने ये मान लिया कि ये हमारी मोटर है, एकदम बढ़िया, ये हमारी मोटर है और ये मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग है। ये हमारी मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, इस स्टार्टर, किसके स्टार्टर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और इस प्राइमरी वाइंडिंग को हमने वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया है। इस प्राइमरी वाइंडिंग को हमने वोल्टेज से कनेक्ट किया है तो इस प्राइमरी वाइंडिंग में क्या फिल होगी, करंट फिल होगी। देसी बात है, अगर किसी भी मोटर को हम बिजली से कनेक्ट करेंगे तो उस मोटर की ये जो वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग थ्री फेज की, इसमें एकदम बढ़िया क्या फिल होगी, करंट, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फिलो हो रही है। लेकिन दुनिया की कोई भी मोटर हो, जैसे ही हम उसे बिजली से कनेक्ट करते हैं तो शुरू शुरू में वो मोटर जो करंट लेती है सप्लाई से, वो क्या लेती है, ज्यादा लेती है। मैं कहना क्या चाहता हूं, यानी कि ये मोटर जो स्टार्टिंग में करंट लेती है वो करंट क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि जो स्टार्टिंग करंट है वो ज्यादा है और ये लगभग 5 से 7 गुना है किसकी, फुल लोड करंट की। ये क्या बात है भाई, मुझे मोटर चलानी है तो उस मोटर को मैं सप्लाई से कनेक्ट करूंगा। मोटर में किसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो जब हम वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो इस स्टार्टिंग में उस वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट बहुत ही ज्यादा होगी। और मान लो फुल लोड पर करंट 10 एम्पियर होती तो स्टार्टिंग में ये करंट 50 से 70 एम्पियर के बीच में होगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस वाइंडिंग में स्टार्टिंग में करंट क्या है, बहुत ही ज्यादा है। चलिए अब देखो, अब आपको पता है ये हमारा रोटर है और रोटर में क्या है, स्लॉट, ये हो गया स्लॉट, और स्लॉटों में क्या है, वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या फ्लो हो रही है, वेरी हाई फ्लो हो रही है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो वाइंडिंग है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरी कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कहां पर है, रोटर पर। ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो रोटर पर है और इसे मैं अभी क्या मान रहा हूं, शॉर्ट सर्किट, ये मैंने मान लिया शॉर्ट सर्किट। तो इस प्राइमरी वाइंडिंग में और इस सेकेंडरी वाइंडिंग में शुरू शुरू में स्टार्टिंग में फिल होने वाली करंट वेरी हाई है, फुल लोड करंट की 5 से 7 गुना। मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि स्टार्टिंग में करंट ज्यादा क्यों है, अगर मैंने मोटर को सप्लाई से जोड़ा है तो मोटर शुरू शुरू में करंट ज्यादा क्यों ले रही है। सबसे पहला रीजन, मैंने मोटर को सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया था तो इस मोटर का जो एयर गैप है इसमें कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था। तो जैसे ही हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इस एयर गैप में क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मोटर शुरू शुरू में करंट जो ज्यादा लेती है उसका एक कारण ये है कि हमें क्या बनाना है, मैग्नेट बनाना है। कहां पर, एयर गैप में, एयर गैप में हमें मैग्नेट बनाना है। एक रीजन इसका ये है कि हमारी मोटर स्टार्टिंग में करंट क्या लेती है, ज्यादा। प्लस दूसरी बात, हमारा ये सप्लाई वोल्टेज वी है, सप्लाई वोल्टेज वी के कारण इस प्राइमरी वाइंडिंग में क्या फिल हो रही है, करंट। करंट के कारण हमने कई बार कहा मैग्नेटिक फ्लक्स आता है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, घूमता है। तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इस प्राइमरी वाइंडिंग में भी एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जो कि आपका क्या है, E1। तो डीसी मोटर की तरह, डीसी मोटर की तरह जो प्राइमरी करंट है वो आपकी होती है V-E1 अपॉन हमने क्या मान लिया, Z1। तो I1, तो I1 इक्वल टू वी माइनस और Z1 के स्थान पर Z1। बिल्कुल स्टार्टिंग में इस वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ का मान भी क्या होता है, जीरो होता है। अगर मान लो सप्लाई वोल्टेज 200 है और आपका इंपीडेंस 0.1 है तो करंट आपकी कितनी होगी, 2000 एम्पियर हो गई। तो मैंने दो कारण बताए कि मोटर शुरू शुरू में करंट जो ज्यादा लेती है उसके दो कारण है। एक तो मुझे स्टार्टिंग में गैप को क्या बनाना है, मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करना है, और दूसरा स्टार्टिंग में जो ईएमएफ था उसका मान भी क्या था, जीरो। इसलिए मोटर स्टार्टिंग में करंट क्या लेती है, ज्यादा।
फीलिंग इंपॉर्टेंट है। मैंने मोटर को प्लग से कनेक्ट किया तो मोटर की वाइंडिंग में करंट क्या आ रही है, ज्यादा। तो हम इस जो स्टार्टिंग में मोटर करंट ज्यादा ले रही है, इस ज्यादा करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टार्टर। तो एग्जाम में आएगा स्टार्टर क्यों लगाते हैं, उसका एकमात्र रीजन ये है कि ये जो स्टार्टिंग करंट है, इस स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टार्टर। वैसे हमारी जो थ्री फेज है उसकी जो इंडक्शन मोटर है वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट, वो सेल्फ स्टार्ट होती है। तो हमने क्यों लगाया है स्टार्टर, इसका रीजन ये है स्टार्टिंग में जो करंट है उसको लिमिट करने के लिए। अच्छा, स्टार्टिंग में करंट ज्यादा कहां है, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। ऐसे करो, तुम ज्यादा ही करंट फील होने दो, अगर कोई भी वाइंडिंग डैमेज होती है तो वो ज्यादा करंट के कारण ही डैमेज होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में करंट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अब देखते हैं हम आखिरकार कैसे स्टार्टर इस स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, कम। चलिए, तो अब हमें समस्या पता चल गई कि ये जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें स्टार्टिंग में करंट ज्यादा होता है, हमारी रोटर है ये जो रोटर की वाइंडिंग है इसमें भी स्टार्टिंग में करंट ज्यादा है, यानी समस्या हमें पता है कि स्टार्टिंग में करंट क्या है, ज्यादा है। अब हम ये करंट को क्या करना चाहते हैं, कम, और करंट को कम कौन करता है, स्टार्टर। तो देखो, बचपन से ही हमें पता है कि हमारा जो करंट है वो वोल्टेज अपॉन क्या होता है, रेजिस्टेंस। हमने वोल्टेज मान लिया, मान लो 200 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस मान लिया हमने 10 ओम है, तो हमारी करंट कितनी हो गई, 20 एम्पियर। हमारा वोल्टेज तो 200 ही है, मान लो ये जो रेजिस्टेंस है इसको बढ़ाकर मान लो हमने क्या कर दिया है, डबल, तो जीरो से जीरो कैंसिल, यानी करंट कितनी होगी, 10 एम्पियर। हमारा ये जो वोल्टेज है तो 200 ही है, मान लो आपका जो रेजिस्टेंस है इसको बढ़ाकर हमने क्या कर दिया, 40, यानी करंट कितनी हो गई, 5 एम्पियर। यानी एक बात मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि ये जो करंट प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो हो रही है, ये जो करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो हो रही है, अगर इस करंट को कम करना है तो सिंपल सी बात है, देखो आपकी 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, यानी कि करंट कम हो गई। और करंट कम कब हुई है, जब रेजिस्टेंस का मान हमने बढ़ाया है। यानी कि एक वर्ड में हमें समझ में आता है, अगर करंट का मान हमें कम करना है तो हमें रेजिस्टेंस को क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ा देना चाहिए। तो ये जो रेजिस्टेंस को बढ़ा करके करंट, स्टार्टिंग करंट को जो हम कम कर रहे हैं, ऐसा हम दो स्टार्टर में करते हैं। एक स्टार्टर का नाम है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, एक का नाम है रोटर और आपका रेजिस्टेंस स्टार्टर, यानी हमारी चर्चा में एक आ गया रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। चाहते क्या है हम, स्टार्टिंग करंट को कम करना। करंट कम कैसे होगी, रेजिस्टेंस को बढ़ा करके। ऐसा हम किसमें करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो आपका रोटर है उसमें क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस। ये हमने मान ली कि ये हमारी क्या है, स्लिप रिंग, ये हमने मान ली है ये हमारी स्लिप रिंग है, और ये जो स्लिप रिंग है इसकी सहायता से हम रोटर में क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस। ये हमारा रोटर है और उसमें हमने क्या लगा दिया है, ये मान लो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने लगा दी, ये हमने मान लिया कि ये थ्री हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट कर दिया है, ये थ्री वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिए हैं, मतलब रोटर में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। अगर रोटर में हम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा और करंट का मान घट जाएगा। लेकिन ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, यानी कि जो रोटर में हमने रेजिस्टेंस लगाया है, ऐसा केवल हम किस में कर सकते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। ऐसा हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही कर सकते हैं। तो एक स्टार्टर हम पढ़ेंगे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, डन और नॉट डन, चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरे पक्ष पर आते हैं, हमारा निष्कर्ष ये निकला था कि अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भाई ये रेजिस्टेंस है ना, ये तो हम प्राइमरी वाइंडिंग में भी लगा सकते हैं, तो ये हमने क्या लगा दिया है, प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस भी कौन सा है, वेरिएबल, ये रेजिस्टेंस भी वेरिएबल है। तो वो स्टार्टर जिसमें हम प्राइमरी वाइंडिंग में क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस, इस स्टार्टर का क्या नाम है, इस स्टार्टर का नाम है प्राइमरी, इसका नाम है प्राइमरी रेजिस्टेंस, प्राइमरी रेजिस्टेंस या आपका रिएक्टर, हम यहां रिएक्टर भी लगा सकते हैं, प्राइमरी रेजिस्टेंस या रिएक्टर स्टार्टर। अब कुछ लोग कहेंगे क्या कचरा पढ़ा रहा है, अरे भाई मुझे पता है कि मेरी मोटर शुरू शुरू में करंट क्या लेगी, ज्यादा। अरे भाई ज्यादा करंट है,
करंट को कम करने का एक ही तरीका है रेजिस्टेंस को बढ़ाना। और मैं रेजिस्टेंस दो जगह लगा सकता हूं, एक तो स्टेटर में और एक रोटर में। रोटर में रेजिस्टेंस लगाऊंगा, ऐसा हम करते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में, इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे। दूसरा, हमने स्टार्टर कहां लगाया है, प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में या स्टेटर में, इसका नाम है प्राइमरी रेजिस्टेंस या रिएक्टर स्टार्टर। मतलब रेजिस्टेंस के कारण ही दो स्टार्टर, प्राइमरी रेजिस्टेंस और रिएक्टर स्टार्टर, और दूसरा कौन सा है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। डन और नॉट डन? तो ये करंट को घटाने का एक तरीका है। अब हम बात करते हैं करंट को रिड्यूस करने का सेकंड मेथड क्या है। यस, चलिए, तो हमारा टारगेट ये है कि किसी भी तरह से हमारी स्टार्टिंग में ये करंट क्या हो जाए, कम हो जाए, यही हमारा टारगेट है। तो अब हम दूसरे मेथड पे चल रहे हैं। मैं ये मान लेता हूं कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस है दोनों वाइंडिंग का प्राइमरी की तरफ रेफर करते हुए, वो है R1 प्लस आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या है, R2 अपॉन K स्क्वायर। और मैं ये मान लेता हूं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है दोनों वाइंडिंग का मिला करके, वो मान लो 10 ओम है। ये मैंने मान लिया, यानी दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, 10 ओम, ये मैंने मान लिया। अब देखो, ये जो नॉर्मल मेरा सप्लाई वोल्टेज है, इस सप्लाई वोल्टेज को मैंने मान लिया, ये नॉर्मल जो मेरा वोल्टेज है ये 500 वोल्ट है, ये मैंने मान लिया कि ये हमारा नॉर्मल जो सप्लाई वोल्टेज है वो 500 वोल्ट है। तो इस स्थिति में जो हमारी करंट होगी वो क्या होगी, 500 अपॉन में क्या हो गया 10, यानी कि करंट कितनी हो गई, 50 एम्पीयर। डन और नॉट डन? मैंने क्या कहा, अरे भाई करंट कहां फिल होगी, वाइंडिंगों में फिल होगी। डन और नॉट डन? मैंने इन दोनों वाइंडिंग का कुल रेजिस्टेंस कितना मान लिया, 10 ओम, और ये जो सप्लाई वोल्टेज है 500 वोल्ट मैंने मान लिया। अब मैं ये मानता हूं कि ये जो करंट है ना 50 एम्पीयर वो ज्यादा है, ये करंट हमारी क्या है, ज्यादा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस करंट का मान कम हो जाए। डन और नॉट डन? तो करंट के स्थान पर, करंट बराबर के स्थान पर बराबर रेजिस्टेंस 10 ओम है, मान लो दोनों वाइंडिंग का कुल रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं 500 है इसके स्थान पर अगर यहां 50 वोल्ट अप्लाई कर देता हूं तो आपकी करंट कितनी होगी, 5 एम्पियर हो गई। यानी कि जो मेरी करंट 50 एम्पियर थी वो केवल किस में बदल गई, 5 एम्पियर में बदल गई। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे स्टार्टिंग करंट का मान कम करना है तो इस स्टार्टिंग में जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, ये जो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें करंट स्टार्टिंग में ज्यादा आती है और मैं इस करंट को क्या करना चाहता हूं, कम करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, जो हाई वोल्टेज, जो मान लो 500 वोल्टेज में अप्लाई कर रहा था, उसके स्थान पर केवल कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, 50, मतलब वोल्टेज कम अप्लाई किया है। और आप देख लो, वोल्टेज कम होने के कारण करंट भी क्या है, कम है। यानी कि दूसरा जो मेथड है इस करंट को कंट्रोल करने का, वो ये है कि आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो स्टार्टिंग में वो कम अप्लाई करें। वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, क्या अप्लाई करें, कम। अब ऐसा हम कौन कौन से स्टार्टर में करते हैं, एक नंबर स्टार्टर है स्टार डेल्टा स्टार्टर। इस स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम यही करते हैं कि इस स्टार्टिंग में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो कम अप्लाई करते हैं। दूसरा कौन सा स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में भी हम यही करते हैं कि स्टार्टिंग में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके अलावा अभी जो हमने पढ़ा था प्राइमरी मतलब वाइंडिंग है उसका रेजिस्टर या रिएक्टर स्टार्टर, इसमें भी हम कुछ कुछ इसी प्रकार का करते हैं। डन और नॉट डन? यानी स्टार डेल्टा, ऑटो ट्रांसफार्मर और प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस या रिएक्टर लगा रहे हैं उसमें हम यही करते हैं कि यहां पर वोल्टेज अप्लाई क्या करते हैं, कम। गुच हो गया, अरे भाई ये जो करंट है ना वो ज्यादा है, इस करंट को कम करने का तरीका ये है कि यहां जो मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं ना स्टार्टिंग में वो मैं कम अप्लाई करूं। देखो, वोल्टेज कम तो करंट भी कम। ऐसा हम कौन कौन से स्टार्टर में करते हैं, स्टार डेल्टा में और ऑटो ट्रांसफार्मर में। अब ये क्या झोल है, अभी हमने बताया था प्राइमरी वाइंडिंग है उसके सीरीज में रेजिस्टेंस या रिएक्टर स्टार्टर, इसमें भी यही करते हैं, स्टार्टिंग में यहां वोल्टेज क्या अप्लाई करते हैं, कम। अब कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। डन और नॉट डन? अगला एक और स्टार्टर रह गया जिसका नाम क्या है, डीओएल स्टार्टर। एक एक को पर्सनल पढ़ेंगे, डीओएल स्टार्टर। ये डीओएल स्टार्टर है, इसमें ऐसा हम कुछ नहीं करते। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, तो हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है
इसको अगर हम सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं ये मोटर स्टार्टिंग में करंट क्या लेती है, बहुत ही ज्यादा। उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने इन स्टार्टरों की हम चर्चा करेंगे। एक डीओएल स्टार्टर है, डीओएल स्टार्टर का जो प्रयोग है हम स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। स्मॉल कैपेसिटी, डन और नॉट डन, ये क्वेश्चन जेबी गुप्ता में लिखा हुआ है। प्लस अगर दूसरा हमने बताया कि भाई हमें पता है करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा, तो हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं रोटर में, ये केवल हम स्लिप रिंग में ही कर सकते हैं। ऐसा हम करते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी रेजिस्टर या रिएक्टर स्टार्टर, हम क्या करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं या रिएक्टर लगा देते हैं, उससे क्या है वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होता है और प्राइमरी वाइंडिंग पर कम वोल्टेज अप्लाई होता है। ऐसा हम करते हैं स्क्वायरल केज में। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ये भी स्क्वायरल केज के लिए, और स्टार डेल्टा, ये भी स्क्वायरल केज के लिए। अब देखो ये जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, स्टार डेल्टा और प्राइमरी रेजिस्टेंस रिएक्टर स्टार्टर, इसमें हम स्टार्टिंग में वोल्टेज क्या अप्लाई करते हैं, कम। तो वोल्टेज कम अप्लाई करने से करंट तो कम हो जाती है, लेकिन हमको एक नुकसान हो जाता है। क्या भाई, करंट का वोल्टेज कम किया तो करंट कम हो गई, लेकिन हमको एक नुकसान हो गया, और वो क्या है, हमें पता है टॉर्क प्रोपोर्शनल क्या होता है, वी स्क्वायर। अगर हम वोल्टेज को कम कर देंगे तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डन और नॉट डन? तो स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफॉर्मर और प्राइमरी रेजिस्टेंस और रिएक्टर स्टार्टर, इसकी ये कमी है, क्योंकि स्टार्टिंग में वोल्टेज का मान हम क्या वोल्टेज अप्लाई करते हैं कम, तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या हो जाता है, कम। डन और नॉट डन? अब हम एक इक्वेशन देखते हैं, और इक्वेशन क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, स्टार्टिंग करंट अपॉन में क्या है, फुल लोड करंट, इसका स्क्वायर और फुल लोड सीरीज। ये इक्वेशन अभी हम सोल्व करेंगे और हम देखेंगे कि ये इक्वेशन आई कहां से, अगला टारगेट है ये इक्वेशन कहां से आई। सबके सब स्टार्टर के लिए ये इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। यस, लगभग सभी स्टार्टर के लिए ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट का स्क्वायर और फुल लोड स्लिप, केवल यही इक्वेशन काम की है, हमें यही याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि मान लो स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट की 5 गुनी है और आपकी स्लिप है वो 4% है, तो स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग करंट है ना वो 5 गुना है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, इंटू कहता है स्लिप है ना उसका मान 4% है यानी 4/100, तो कहता है स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड जो टॉर्क है उसका रेशियो क्या होगा, तो ये जेबी गुप्ता में भी है, 4 से 4 कैंसिल, यानी स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क उसका रेशियो क्या होगा, 1 होगा। डन और नॉट डन? एकदम साफ है, ये जेबी गुप्ता का क्वेश्चन है। दूसरा जेबी गुप्ता क्वेश्चन क्या है, मान लो स्टार्टिंग करंट 6 गुना है तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36, और स्लिप का मान लो 4% है तो 4/100 सोल्व करेंगे तो 1.44 आएगा, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो। हम जानना चाहते हैं आया कैसे, तो अभी हमने एक दो लेक्चर पहले पढ़ा था कि जो रोटर का कॉपर लॉस है वो होता है एस इंटू रोटर पावर इनपुट, ये हमने पढ़ा था कि रोटर में होने वाले जो कॉपर लॉस है वो होते हैं एस इंटू रोटर पावर इनपुट। जी बहुत बढ़िया, अब रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, अब तुम्हें पता है कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर और आर। कॉपर लॉस हो कहां रहा है, रोटर में, इसलिए 2:2। कितने फेज की वाइंडिंग है, 3 फेज की। जी बहुत बढ़िया, स्लिप के स्थान पर क्या लिखा हमने, स्लिप। अब हम बात करेंगे रोटर पावर इनपुट की। जी ये है ना रोटर है, ये हमने मान लिया रोटर, और इसे रोटर को हमें घुमाना है, तो मैंने बताया कि हमारा घर है ना चढ़ाई पर है, तो हम साइकिल से जाते हैं, तो हम साइकिल के पहिए में क्या लगाते हैं, पैडल। यस, और पैडल के कारण वो पहिया कहां जाता है, आगे। तो गोल वस्तु को घुमाने के लिए हम क्या लगाते हैं, बल, टॉर्क, और उसके कारण वो पहिया कहां जाता है, आगे। तो हम उसको घुमाने के लिए क्या लगाते हैं, टॉर्क, और टॉर्क के कारण वो क्या करता है, घूमता है। तो टॉर्क और स्पीड यही होती है पावर। अरे भाई कोई पहिया है उसको घुमाने के लिए हमने क्या लगाया, बल, वो तो टॉर्क है, और बदले में वो क्या करता है, घूमता है। तो बल और घूमना इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, पावर। जी बहुत बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चाहत। अब देखिए ये 3 है, ये तो कभी 4 और 5 नहीं हो सकता, कॉन्स्टेंट है, छोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस को भी छोड़ देते हैं। तो यहां से क्या समझ में आया, आई टू का स्क्वायर इक्वल टू एस, यानी ये तो स्लिप है, जिसकी जरूरत है हम उसी की बात करेंगे, और टॉर्क के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, टॉर्क।
डन और नॉट डन, यानी स्पीड को भी छोड़ दिया हमने। अब देखो ये जो हमारी रोटर की करंट है, ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटर करंट के प्रोपोर्शनल होती है, तो हमने क्या लिख दिया है आई वन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया स्लिप और टॉर्क। अब हम बात करेंगे मान लो स्टार्टिंग टॉर्क की, तो देखो यहां हमने लिख दिया स्टार्टिंग टॉर्क, तो स्लिप भी कौन सी होगी स्टार्टिंग और करंट भी कौन सी होगी स्टार्टिंग, डन और नॉट डन। तो यहां हमें एक चमत्कारी बात पता चली और वो ये है स्टार्टिंग जो करंट है उसका स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो गया स्टार्टिंग टॉर्क, स्लिप को अपॉन में ले आई यानी स्टार्टिंग स्लिप। स्टार्टिंग में स्लिप का मान एक होता है, तो आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है ये आपका क्या हो गया स्टार्टिंग टॉर्क बराबर हो गया स्टार्टिंग करंट इसका स्क्वायर, स्टार्टिंग में स्लिप का मान तो एक है ही, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली वन, डन और नो डन। अब देखो अच्छा अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग करंट है, अब अगर मान लो हमारा धीरे धीरे लोड बढ़ेगा तो हमने मान लिया फुल लोड करंट इसका स्क्वायर, यहाँ स्टार्टिंग स्लिप है तो यहाँ फुल लोड स्लिप आ जाएगा, तो यहाँ टॉर्क भी कौन सा हो जाएगा फुल लोड, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई टू। अरे भाई स्टार्टिंग करंट तो यहाँ फुल लोड करंट, स्टार्टिंग स्लिप तो फुल लोड स्लिप, स्टार्टिंग टॉर्क तो फुल लोड टॉर्क, डन और नो डन। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन एक है इसको डिवाइड करते हैं टू से, तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क इसको डिवाइड करेंगे किससे फुल लोड टॉर्क से इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा आपकी क्या हो गई ये फुल लोड करंट, ये फुल लोड करंट है इसका स्क्वायर अपॉन में क्या है अब देखो फुल लोड स्लिप और इसको डिवाइड करना है किससे इससे। अब देखो हमने क्या किया है सबसे पहले स्टार्टिंग टॉर्क और उसको डिवाइड कर दिया फुल लोड टॉर्क से, तो अभी एक मिनट यस स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क तो स्टार्टिंग करंट ये होगा स्टार्टिंग करंट इसका स्क्वायर अपॉन वन, इसको डिवाइड करना है किससे फुल लोड, आपका फुल लोड क्या है फुल लोड करंट इसका स्क्वायर अपॉन फुल लोड क्या हो गई स्लिप जी, बहुत बढ़िया। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया स्टार्टिंग करंट, ये हो गया स्टार्टिंग करंट अपॉन आपको पता डिवाइड है तो अपॉन में आ जाएगा अपॉन फुल लोड करंट इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू आपको पता ये चला जाएगा ऊपर यानी फुल लोड क्या हो गई स्लिप, ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया। देखो स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट का स्क्वायर और फुल लोड स्लिप, ये क्या कर दिया मैंने कोई मंत्र पढ़ दिए यहाँ, सिंपल सी बात है इस इक्वेशन का इस इक्वेशन में भाग देना है मतलब इसमें इसका भाग देना है, डन और नॉट डन। अच्छा अगर इसको हम और आगे मॉडिफाई करें तो स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इक्वल टू स्टार्टिंग में क्या होता है स्टार बिल्कुल स्टार्टिंग तो रोटर घूम रहा होता है जी नहीं, तो रोटर की वाइंडिंग कैसे होती है जैसे शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग, तो स्टार्टिंग करंट की जगह हम यहां शॉर्ट सर्किट करंट भी लिख सकते हैं, डन और नॉट डन। और जो फुल लोड करंट है ना वो बराबर होती है किसके रेटेड करंट की, भाई फुल लोड यानी कि रेटेड लोड, तो आप इसको रेटेड करंट भी कह सकते हैं आई रेटेड, और इसका स्क्वायर इनटू फुल लोड क्या हो गया स्लिप, डन और नॉट डन। सबके सब स्टार्टर में ये फॉर्मूला लगेगा, डन और नॉट डन, यानी स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इक्वल टू ये दोनों। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है हमने आपको बताया था कि भाई ये कहता है कि मान लो स्टार्टिंग करंट है ना वो 5 टाइम है किसकी फुल लोड करंट की, बहुत बढ़िया, और कहता है कि फुल लोड स्लिप है उसका मान 4% है, तो कहता है स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो बताएं, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो बताएं। तो देखो ये आपका 5 टाइम है तो 25, स्लिप 4% है तो 4/100, ये इससे 4 टाइम इससे कैंसिल तो क्या आ गया 1, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो। सभी जितने भी स्टार्टर हैं इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे किसी एक स्टार्टर को, अब हम इसका एक बार लिखते हैं कंक्लूजन, चलिए तो ये हमारा कंक्लूजन है या नट सेल है आज के लेक्चर का, 3-phase इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट है जी, 100% हमारी 3-phase की इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है जी। स्टार्टिंग करंट 5-7 टाइम है फुल लोड करंट की, यानी कि आपकी स्टार्टिंग करंट ज्यादा है, ऐसे करते हैं ज्यादा करंट को ही फ्लो होने देते हैं तो हमारी वाइंडिंग क्या हो जाएगी डैमेज हो जाएगी। तो ये जो स्टार्टिंग की ज्यादा करंट है इसको लिमिट करने के लिए हमने स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना ही स्टार्टर का उद्देश्य है, स्टार्टर का जो मोटिव है उद्देश्य है वो है लिमिट करना स्टार्टिंग करंट को। करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस है, वोल्टेज तो सेम है रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया,
भाई यहाँ रेजिस्टेंस 2 और यहाँ 4। रेजिस्टेंस बढ़ाने पर करंट कम होती है, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर करंट कम होती है। हमें पता है करंट अगर हमें कम करनी है ना तो रेजिस्टेंस बढ़ा देना चाहिए। ऐसा हम किस में करते हैं? रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में, मतलब करंट को कम करने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। रोटर में हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं और ऐसा केवल हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही कर सकते हैं। अभी पढ़ेंगे बाद में इसको। करंट है ना मोटर शुरू में करंट क्या, देखो फीलिंग है, मोटर शुरू में करंट क्या लेती है? ज्यादा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो सेम है, यहां 1000 वोल्टेज है और यहां 100 है, यानी कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग पे मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं ना, इसको मैंने क्या कर दिया, 1000 से 100, यानी इस वोल्टेज को मैंने कम कर दिया, यानी इस मोटर को जो मैं वोल्टेज दे रहा हूं ना स्टार्टिंग में उसको कम कर दिया, तो जो 500 एम्पीयर थी उससे 50 एम्पीयर हो गई करंट। तो मतलब क्या समझ में आया, अगर करंट को कम करना है ना तो मुझे वोल्टेज को क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, अप्लाइड वोल्टेज को कम कर देना चाहिए। लेकिन इसकी समस्या क्या है, आपको पता है टॉर्क प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर होता है, वोल्टेज को कम कर देने के कारण टॉर्क भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये कमी है। अब देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर और प्राइमरी रेजिस्टेंस या रिएक्टर स्टार्टर, इसमें हम यही करते हैं कि जो हम वोल्टेज इस पर अप्लाई करते हैं उस वोल्टेज को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब आप कहोगे पहले तो आपने उसको उधर रखा था, ये बात सही है कि प्राइमरी में रेजिस्टेंस ऐड हमने किया है, लेकिन फिर भी इन तीनों मेथडों से हम जो इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं वही क्या करते हैं, कम करते हैं। तो वोल्टेज कम अप्लाई करने से हमारी करंट कम हो जाती है। ये सभी स्टार्टर का प्रयोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए तो करते ही हैं। अब देखो डीओएल स्टार्टर है, ये काय का स्टार्टर है, तो डायरेक्ट स्विचिंग है तरह से, इसी में स्टार्टिंग करंट सबसे ज्यादा होती है। स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग दोनों के लिए, छोटी अगर कोई कम कैपेसिटी की स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग है दोनों के लिए डीओएल स्टार्टर। लेकिन डीओएल स्टार्टर में ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन है, तो हम ये पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया था, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क बराबर स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट, इसका स्क्वायर और फुल लोड स्लिप। उसके बाद में शॉर्ट स्टार्टिंग में तो रोटर घूमता ही नहीं है और रोटर की वाइंडिंग जैसे शॉर्ट सर्किट हो, तो हम इसे शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं, और फुल लोड का मतलब रेटेड। अच्छा ये निकल कर आया था रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू एस इंटू रोटर पावर इनपुट से, डन और नॉट डन, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेबी गुप्ता में एक क्वेश्चन दे रखा है और वो क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि हमने वोल्टेज को अगर हम एक्स टाइम कम करें तो करंट भी हमारी एक्स टाइम कम होती है, लेकिन टॉर्क हमारा एक्स स्क्वायर टाइम क्या होता है, कम। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम किसी एक स्टार्टर को पढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ है फीलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है फीलिंग, फीलिंग के साथ पढ़े आपने कोई मतलब नहीं। अब हम इनमें से किसी एक स्टार्टर को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यस।